नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं पुलकित प्रसन्न आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं बूंदी जिले की। जहां बूंदी जिले में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कोरोना वायरस से प्रभावित पीड़ितों के लिए एक माह का वेतन सहायता कोष में देने की घोषणा की। हिंडौली विधायक एवं राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए बूंदी के लोगों को निशुल्क सैनिटाइजर व मास्क वितरण करवाने के लिए विधायक कोष से 1,00,000 रुपए दिए। वहीं पर कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 1 माह का वेतन देने की भी घोषणा की है। चांदना ने बताया कि उन्होंने विधायक कोष से 1,00,000 रुपए देने की अनुशंसा का पत्र जिला कलेक्टर को लिखा है, साथ ही जल्द ही खरीदारी करवाने को कहा। साथ में 1 माह का वेतन कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए देने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। साथ ही आपको बता दें, बूंदी में जल मेडिकल स्टोर खुलने से लोगों को राहत महसूस हुई। हिंडौली कस्बे में कोरोना वायरस के चलते एक दिवसीय जनता कर्फ्यू में सब बंद कर रहे, जिसके चलते मौसमी बीमारियों से लोग परेशान रहे, उन्हें दवाइयां नहीं मिली। मेडिकल स्टोर खोलने से लोगों को राहत मिली है। जहां एक और पूरे कस्बे में लॉकडाउन के चलते सभी प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं मेडिकल स्टोर और दूध डेयरी खोलने की वजह से आमजन को राहत मिली है। यातायात पुलिस ने लोगों से समझाइश भी की, साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय भी समझाए। जी हां, आपको बता देते हैं कि उधर हिंडौली क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर व दूध डेयरी खुली रही। इस वजह से क्षेत्र में थोड़ी हलचल दिखाई दी। इसी बीच पुलिस प्रशासन क्षेत्र में घूमकर लोगों को भीड़ में ना रहने और चेहरे पर मास्क लगाने की समझाइश करता नजर आया। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अगले 31 मार्च तक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आएगी। उन्होंने लोगों को इकट्ठा होने से रोका भी है और मास्क पहनने की समझाइश भी की। पंचायतीराज कर्मचारी संघ हिंडौली मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 माह का वेतन करवाएंगे जमा। हिंडौली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ उपशाखा हिंडौली ने संगठन से जुड़े सभी कार्मिकों ने एक दूसरे से फोन में वार्ता करके 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का निर्णय किया। अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने फोन पर सदस्यों व पदाधिकारियों से वार्ता भी की। प्रवक्ता जसवंत वर्मा व महिला अध्यक्ष मंजू शर्मा ने बताया कि वार्ता में तुलसीराम गुर्जर, सभा अध्यक्ष मंत्री टीकम चंद जांगेड़, पूरन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रामेश्वर संरक्षक सहित कई लोग उपस्थित रहे और इन लोगों ने बड़ई ने अपनी सहमति भी दी। सत्यनारायण गुर्जर व राम प्रकाश मीणा ने बताया कि अब तक उक्त पदाधिकारियों शिक्षकों ने अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की समय तिथि आगे प्रयास जारी है। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बचाव एवं संसाधनों की उपलब्धता के लिए आज राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ शाखा हिंडौली के सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे से फोन पर वार्ता की। फोन पर वार्ता करके ये निष्कर्ष निकाला कि कोरोना एक भयंकर बीमारी है और इसको बचाने के लिए सभी शिक्षक साथियों और कर्मचारियों को आगे आना होगा। अतः सभी पदाधिकारियों और शिक्षक कर्मचारियों ने इस बात पर आम सहमति दी कि अपने एक दिन का मूल वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करेंगे और अपने देश को बचाने और राज्य को बचाने और आम जनता को कोरोना से बचाने के लिए अपनी एक जिम्मेदारी का पालन करेंगे। इस बुलेटिन का सप्ताह ही, देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।